Hey guys, कैसे हो? Welcome back to a new video. And guys, आज की जो ये वीडियो है ये होने वाली है उन लोगों के लिए सबसे ज़्यादा स्पेशल जो कि अपने पीसी के अंदर GTA 5 को खेलते हैं और जो नहीं खेलते हैं वो भी इस वीडियो को ज़रूर देखो क्योंकि इस वीडियो के अंदर जो कंटेंट है वो बहुत ही ज़्यादा अमेजिंग है. बेसिकली ये है कि इस वीडियो के अंदर आपको GTA 5 के ग्राफिक्स 8 के बारे में बताने वाला हूँ. अब आपको पता है कि GTA 5 बहुत ही ज़्यादा रियलिस्टिक गेम है, बहुत ज़्यादा अच्छे ग्राफिक्स है उसके. एंड अगर उसके ऊपर उसके अंदर और ज़्यादा ग्राफिक्स ऐड कर दिया जाए, नए नए टेक्सचर ऐड कर दिया जाए, स्काई बॉक्स ऐड कर दिया जाए तो वो गेम कैसा लगेगा. तो यहाँ पे आपके सामने ये हेयर है बिल्कुल बहुत ही कम MB के साइज़ में और बहुत ही लो एंड PC के अंदर ये वाला जो गेम प्ले है आप देख सकते हो और वो भी बिल्कुल हाई ग्राफिक्स के साथ में. और यहाँ पे जो है बिल्कुल इस ग्राफिक्स से जो है आपके टेक्सचर चेंज हो जाएंगे और आपका जो वाटर रिफ्लेक्शन होगा वो चेंज हो जाएगा. साथ में आपके जो टेक्सचर्स होंगे, जो रिफ्लेक्शन क्वालिटी होगी वो बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगी गेम के अंदर. और ये लो एंड PC के लिए ही बनाया गया है एंड अलग वेदर के अकॉर्डिंग आप जो है इसको अपने अकॉर्डिंग लाइक कस्टमाइज कर सकते हो किस अकॉर्डिंग आपको ग्राफिक्स चाहिए, किस तरीके की आपको रियलिस्टिक फीलिंग चाहिए. जैसा कि आप स्क्रीन पे देख सकते हो कि ये वाला जो गेम है ये मेरे PC पे चल रहा है और आप मेरी स्पेसिफिकेशन नीचे डिस्क्रिप्शन में देख सकते हो. मेरे पास i5 प्रोसेसर है और GPU 1030 है. और ये आपको पता है कि i5 तो चलो मैंने माना कि ये थोड़ा सा मिड एंड PC के लिए आ जाता है, लेकिन जो GPU है वो मेरा लो एंड GPU है. लेकिन उस GPU के अंदर इस गेम को मैं रन कर पा रहा हूँ और वो भी एकदम हाई ग्राफिक्स के साथ में. गाइस जी हाँ, आप में से जिन लोगों के पास लो एंड GPU है, लो एंड ग्राफिक कार्ड है या फिर एक अच्छा PC नहीं है, एक डिसेंट सा PC है जिसके अंदर आप GTA 5 खेलते हो और नॉर्मल सेटिंग में वो आपको जो है 40-50 FPS दे देता है या 60 FPS दे देता है, तो वो लोग भी जो है इस वाले मोड को जो है इजीली इंस्टॉल कर सकते हो और आपकी गेम के FPS में कोई फ़र्क नहीं आने वाला है क्योंकि आपका ये वाला जो मोड है ये बहुत ही ज़्यादा कम MB का है और बहुत ही ज़्यादा कमाल का है. यानी कि जो पूरा का पूरा जो आपका गेम का जो ग्राफिक्स एंड टेक्सचर्स रहेंगे वो टोटली चेंज कर देगा. एंड ट्रस्ट मी कि ये वाला जो मोड है ये अगर आप डाउनलोड करोगे एक बार तो आपको ट्रस्ट ही नहीं होगा कि भाई ये GTA 5 है. इवन जब मैंने GTA 5 को फर्स्ट टाइम खेला तो मेरे को ये बहुत ही ज़्यादा बेहतरीन लगा और बहुत अच्छे हाई ग्राफिक्स के साथ में. यार GTA 5 किसको पसंद नहीं है, GTA 5 सबको पसंद है इसके ग्राफिक्स के कारण. तो मैंने ये कभी नहीं सोचा कि मैं इसके अंदर और ग्राफिक्स ऐड करूंगा, लेकिन इन फ्यूचर अभी कुछ दिनों से मैं सोच रहा था कि GTA 5 को और किस तरीके से रियलिस्टिक बना सकते हैं अपन. तो मैंने ये वाला जो ग्राफिक मोड है ये फाइंड किया है एंड इसको मैंने रन किया. इसके साथ मैंने यूट्यूब पर लाइव स्ट्रीमिंग भी करी और वो भी दोनों चैनल के अंदर, ठीक है. और काफ़ी लोगों ने भी बोला था कि बहुत अच्छा लगा एंड काफ़ी लोग बोल भी रहे थे कि इसके ऊपर वीडियो बनाओ. हालांकि मेरा कोई प्लान नहीं था इसके ऊपर वीडियो बनाने का क्योंकि ये वाला जो चैनल है इस पे ज्यादातर एंड्रॉइड गेम्स की वीडियोस आती है, एंड्रॉइड GTA San Andreas के मोड्स के ऊपर. तो मैंने सोचा कि ये GTA 5 का इतना बेहतरीन मोड है, इतना लो एंड PC में अच्छे से सपोर्ट कर रहा है तो क्यों ना ये अपलोड कर देना चाहिए, आपके साथ भी शेयर करना चाहिए और आपको बताना चाहिए अगर आप में से जो बंदा GTA 5 को PC में खेलता है तो ये वाला मोड इंस्टॉल करो, बहुत ही बेहतरीन है, बहुत ही लो एंड डिवाइस का है. एंड जो लोग पहले से ट्रस्टेड है मेरे पे, जो स्टार्टिंग से मोड डाउनलोड करते आए मेरे दिए हुए लिंक से, मेरी वीडियोस से GTA San Andreas के, और जो GTA 5 के यूज़र्स है, जो यानी कि ऐसे मेरे चैनल पे ऐसे काफ़ी सारे यूज़र्स हैं जिन्होंने GTA 5 मेरे दिए हुए लिंक से भी डाउनलोड किया है. यानी कि जो GTA 5 की वीडियो है जब मैंने बनाई थी 1 GB के पार्ट्स के अंदर, तो काफ़ी लोगों ने आप वहाँ से डाउनलोड किया था और काफ़ी लोगों ने मेरे को कमेंट भी किया था कि आपका जो गेम है वर्क कर रहा है. एंड मुझे खुशी हुई कि मेरे दिए हुए गेम को किसी ने डाउनलोड किया था, एकदम पार्ट्स में एकदम अच्छे से वर्किंग था, बहुत मेहनत करी थी उन पार्ट्स के अंदर उनको बनाने में, उनको अपलोड करने में, वीडियो बनाने में, बट वो फाइनली बन गया था. एंड उसके बाद में मैंने अपलोड किया था, काफ़ी लोगों को वो पसंद आया, काफ़ी लोगों ने मेरे दिए हुई लिंक से उस गेम को डाउनलोड किया था. तो अभी वही लोग जो है इस मोड को ट्राई कर सकते हो, स्पेशली ये वीडियो उन लोगों के लिए ही है. तो अगर आप चाहते हो ग्राफिक्स मोड को इंस्टॉल करना ये वीडियो देखते रहो. ये वीडियो थोड़ी सी लंबी हो सकती है गाइस क्योंकि इस वीडियो के अंदर मैंने आपको टोटली बेंचमार्क बताया है. जी हां गाइस, बेंचमार्क बताया वो भी लो सेटिंग हाई सेटिंग के दोनों, ठीक है. एक ही वाला बेंचमार्क नहीं बताया है, लो सेटिंग एंड हाई सेटिंग दोनों के, जिससे कि आपको हेल्प हो जाएगी ये जानने में कि मेरा जो गेम है कितना FPS दे सकता है आफ्टर इंस्टॉलिंग
प्रैक्टिस मोड, तो ये वीडियो पूरी देखते रहो। इंस्टॉलेशन भी बताऊंगा, इंस्टॉलेशन थोड़ा लेंथी होगा तो आपको वीडियो देखनी होगी, उसके बाद मैं आपको प्रूफ भी दिखाऊंगा एंड हम इस वीडियो के अंदर जो है एक मिशन भी कंप्लीट करेंगे। तो वीडियो जो है लंबी होने वाली है, मैं स्टार्टिंग से कह रहा हूँ, लेकिन अगर आप चाहते हो इसको इंस्टॉल करना तो ये वीडियो जरूर देखना, ठीक है। तो मैं टाइम वेस्ट नहीं करूंगा, आपको लेके चलता हूँ मैं बेंचमार्क पे। एक बेंचमार्क जो मैंने जैसे कि अभी आपको बताया, दो सेटिंग्स का बेंचमार्क होगा, हाई सेटिंग एंड लो सेटिंग, तो आप देख के समझ जाओगे। तो एक बार इस बेंचमार्क को देख लो। सो लेट्स गो टू दी बेंचमार्क। सो गाइस, आई होप कि आपने जो पूरा का पूरा बेंचमार्क है वो देख लिया है। एंड अब हम चलते हैं इंस्टॉलेशन की ओर। मैं पहले बता रहा हूँ, इंस्टॉलेशन थोड़ा बड़ा होगा और उसको आपको अच्छे से देखना होगा, ठीक है। एक बार इंस्टॉलेशन को अच्छे से देख लो, फिर आप जो है डाउनलोड कर सकते हो, ठीक है। सो हम चलते हैं इंस्टॉलेशन की ओर विदाउट वेस्टिंग एनी मोर टाइम। लेट्स गो टू दी इंस्टॉलेशन। आपको स्काईबॉक्स लाने के लिए क्या करना होगा, आपको जो है अपने मेन्यू से जो है आपको टाइम चेंज कर देना या फिर वेदर चेंज कर देना, ठीक है। वेदर चेंज करने के बाद में आपको जो स्काईबॉक्स है वो अच्छे से आ जाएगा और आप टाइम चेंज करके जो है स्काईबॉक्स को इधर उधर मूव कर सकते हो आपके अकॉर्डिंग, जैसा कि आप मेरे गेम प्ले में देख पा रहे हो। एंड इस तरीके से आप जो है पूरा का पूरा जो अपना गेम प्ले है वो इनहेंस कर सकते हो। एंड गाइस सी, क्या ही अमेजिंग ग्राफिक्स लग रहे हैं यहाँ पे। मैंने ये ऑलरेडी इंस्टॉल करा हुआ था, लेकिन आपको दिखाने के लिए मैंने अगेन इंस्टॉल किया है, तो आप देख सकते हो कि बहुत ही ज़्यादा रियलिस्टिक लग रहा है ये। एंड इसी तरीके से आपका भी जो पीसी है इस तरीके से ग्राफिक्स आपको प्रोवाइड करने वाला है। सो ये एक छोटा सा मिशन है जो कि मैंने लगाया है, एंड इसको हम प्ले करते करते इस ग्राफिक्स को अच्छे से एक्सप्लोर करेंगे। हालांकि मैंने लाइव स्ट्रीमिंग करी थी जब भी मैंने ये वाला मिशन किया था, एंड काफ़ी लोगों ने देखा भी था और काफ़ी लोगों को मज़ा आया था, लेकिन हम ये जो है मिशन वापस कर रहे हैं। एंड इस बार जो ये वीडियो है, इस वीडियो के अंदर एक इस मिशन को ना अच्छे से एक्सप्लोर करेंगे और पूरा का पूरा ध्यान हम ग्राफिक्स में देंगे। सी यहाँ पे आप देखोगे तो स्काईबॉक्स जो आपको दिख रहा है बहुत ही बेहतरीन लग रहा है। एंड यहाँ पे मैं अपन थोड़ा जो है इसका टाइम चेंज करके मैं आपको दिखाता हूँ, ठीक है। तो टाइम इसका चेंज करके, जैसे कि मैंने मेन्यू ओपन किया एफेक्ट से, उसके बाद में मैंने इसको टाइम, यहाँ पे आप देख सकते हो आर, यहाँ पे मैंने आर्ट्स को जो है चेंज कर रहा हूँ। एंड आप देख सकते हो कि जो वेदर है वो पूरा का पूरा चेंज हो रहा है, एंड वाह बहुत ज़्यादा ब्यूटीफुल लग रहा है, बहुत ज़्यादा क्लियरिटी आ रही है एंड बहुत ऑसम लग रहा है। सी यहाँ पे नाइट में तो बहुत ही ज़्यादा रियलिस्टिक लगता है, एंड
इस टाइम पे ना, ये वाला जो टाइम देख रहे हो ना गाइस, इस टाइम पे ये जो ग्राफिक कार्ड है आपका असली कमाल दिखाता है। ग्राफिक्स जो है आपका बहुत ही ज़्यादा कमाल दिखाता है यहाँ पे। एंड ये जो मिशन है अपना शुरू होने वाला है, सो देखते हैं कि कैसा होता है हमारा ये मिशन। एंड लेट्स सी, हमारा जो ये मिशन है ये हो चुका है गाइस फाइनली स्टार्ट। एंड सी, अब हम करेंगे ये वाला मिशन, बिल्कुल FPP टू TPP स्विच होते रहेंगे। एंड काफ़ी लोगों को यहाँ पे मानना है एंड बहुत ज़्यादा अमेजिंग लग रहा है। सी, यहाँ पे जिस तरीके से मूवमेंट कर रहा हूँ मैं, बहुत ज़्यादा ब्यूटीफुल लग रहा है। एंड अगर कहीं पे लैग हो तो यहाँ पे आप जो है थोड़ा सा मैनेज कर लेना, बिकॉज आपको पता है कि PC थोड़ा लो है। एंड उसके ऊपर मैंने जो है यहाँ पे ग्राफिक्स मोड भी इंस्टॉल करा हुआ है, और प्लस यहाँ पे मैं रिकॉर्ड भी कर रहा हूँ, तो अगर आपको लैग दिखता है तो आप थोड़ा सा जो है मैनेज कर लेना। बाकी का मैं यहाँ पे पूरा मैंने कंट्रोल कर रखा है, मतलब मैंने पूरी स्पेसिफिकेशन सब सेट कर रखी है। लैग आपको बहुत ही कम देखने के लिए मिलेगा, जैसे कि आप देख सकते हो कि मैंने बहुत अच्छी ऑप्टिमाइजेशन करी थी। और ये वाला जो ग्राफिक मोड है तो बहुत ही ज़्यादा कमाल का है और बहुत ही ज़्यादा ब्यूटीफुल लग रहा है। सो सी, आप देख सकते हो कि यहाँ पे हमने काफ़ी लोगों को मार डाला है। एंड ओके, मैं अपने टीममेट को मार रहा हूँ, सॉरी। ओके, ये रहे सारे के सारे क्रिमिनल्स। सो हम यहाँ पे फायर करेंगे एंड यहाँ पे हम नेट करेंगे। सी गाइस, नेट करता हूँ। नेट से मेरा गेम थोड़ा लैग हो सकता है, क्योंकि नेट से आपको पता है थोड़ा लोड ज़्यादा पड़ता है, तो इतना नहीं पड़ रहा, लोड मीडियम है। ओके, तो यहाँ पे हम अगेन बॉम्ब अप्लाई करेंगे। एंड गाइस सी, सो यहाँ पे, अरे मैं बार बार अपने टीममेट को क्यों किल कर रहा हूँ भाई। हाँ, तो ये रहे एनिमीज, ये एनिमीज, ये मेरे टीममेट की और एनिमीज की ड्रेस बिल्कुल सेम सेम है ना, आउटफिट बिल्कुल मैच हो रहे हैं भाई, पता ही नहीं लग रहा कौन है टीममेट कौन है एनिमी। ओके चलो, तो हमने किल कर दिया काफ़ी लोगों को, बहुत ही ज़्यादा अमेजिंग मिशन है गाइस ये। एंड ये वाला जो मिशन है मेरे को बहुत अच्छा लगा है। इस मिशन के अंदर जो ये ग्राफिक्स है बहुत अच्छे से ग्लो करते हैं, इसलिए मैंने सोचा कि ये वाला मिशन लगाते लगाते आपको प्रूफ बताना चाहिए किस तरीके से जो मेरा गेम है वो चल रहा है। मैंने इपिक गेम से यहाँ पे गेम रन किया है, तो आप ऐसा मत समझना कि मैंने इपिक गेम से क्यों गेम ओपन किया है, तो मेरा इपिक गेम्स का था, ठीक है। तो अभी तो ओवरऑल यहाँ पे बहुत ही बेहतरीन लग रहा है। एंड अभी रुको, अभी आगे जो वीडियो का जो सीन आने वाला है वो बहुत ही ज़्यादा अमेजिंग होने वाला है, क्योंकि उसके अंदर आपको वाटर क्वालिटी देखने के लिए मिलने वाली है, जो कि बहुत अमेजिंग होने वाली है। सी, हम FPP के अंदर यहाँ पे जा रहे एकदम सीधे सीधे, एंड यहाँ पे आपको दिख रही होगी वाटर क्वालिटी, बहुत ज़्यादा औसम लग रही है। एंड अभी हम यहाँ पे एकदम, मैं जूम आपको करके दिखाने वाला हूँ, फिलहाल अभी पीछे से कोई आ तो नहीं रहा ना। ओके, तो अपन जाने के लिए रेडी है, सो लेट्स गो, अपन यहाँ पे स्टार्ट करते हैं एंड चलते हैं। सो आप देख सकते हो कि यहाँ पे वाटर क्वालिटी पे आप लुक करना, बहुत ही ज़्यादा अमेजिंग लग रही है। एंड ग्राफिक्स जो है स्काई बॉक्स तो बहुत अमेजिंग लग रहा है। सबसे पहले स्काई बॉक्स इंपॉर्टेंट होता है हर एक ग्राफिक्स मोड पैक के अंदर, स्काई बॉक्स बहुत अच्छा लग रहा है। एंड यहाँ पे एनिमी आ रहे हैं यार बहुत ज़्यादा। ओके, तो अभी चलो थोड़ा बहुत फाइन है, लेकिन ये कार पीछा नहीं छोड़ गई। ओके, कार चली गई पीछे, लेट्स गो। यहाँ पे वाटर क्वालिटी बहुत अमेजिंग लग रही है, बहुत ज़्यादा अमेजिंग लग रही है। टेक्सचर जो है बहुत अच्छे लग रहे हैं, जैसे कि मैंने आपको पहले भी बताया। सो गाइज, ये मिशन तो होता रहेगा एंड तब तक के लिए मैं ये वीडियो एंड कर देता हूँ, काफ़ी बड़ी हो गई है। गाइज, जाने से पहले एक रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, चैनल पर नए हों या फिर फर्स्ट टाइम आए हो चैनल पर, तो प्लीज़ सब्सक्राइब ज़रूर करना, क्योंकि वो बहुत इंपॉर्टेंट है एंड उससे मुझे मोटिवेशन मिलता है आगे के मोर वीडियोस के लिए। सो आज के वीडियो में गाइस इतना ही। आई होप इस वीडियो को आप लाइक करोगे, सब्सक्राइब करोगे, शेयर करोगे। मैं मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो के अंदर। थैंक यू सो मच अगेन एंड बाय। Yeah.